नमस्कार फ्रेंड्स, मोदी जी का जमशेदपुर आगमन और उनसे संबंधित बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूं, मोदी जी वहीं पर बैठकर रिफ्रेश हुए और जमशेदपुर रिगल मैदान के कार्यक्रम का संबोधन किया। आइए सुनते हैं जमशेदपुर में कौन कौन से लोगों ने उनके आगमन पर क्या क्या प्रतिक्रिया। संजय भैया, इस भारी बारिश और मोदी जी का 140 किलोमीटर रांची से चलकर जमशेदपुर पहुंचना आप लोगों के प्यार और आप लोगों के स्नेह को दर्शाता है और ये 50,000 लोगों का हुजूम, क्या कहेंगे आप? देखो, ये भारी बारिश, चक्रवाती बारिश जो पिछले 2-3 दिनों से हो रही है और आज तो किसी को ये अंदेशा नहीं था कि प्रधानमंत्री आ भी पाएंगे। प्यार देखो, टेलीपैथी देखो, झारखंड के लोगों से, कोलान के नागरिकों के प्रति एक प्यार, एक टेलीपैथी। प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे भारी बारिश में चल के इस गोपाल मैदान में आए और हजारों लाखों लोग उपस्थित थे प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए। ही तो प्यार है और यह अद्भुत दृश्य था। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा दृश्य कभी न देखा गया, न सुना गया, न आगे पता नहीं भगवान जाने, लेकिन आज माइलस्टोन हो गया कि इस भारी बारिश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2.5 घंटे सफर करके आए और लाखों लोग जो अंदर थे, बाहर भी थे, भारी बारिश में मौजूद जी। क्या मैसेज जाएगा चुनाव पर, जो झारखंड के आगामी चुनाव है विधान? मैसेज चला गया, काउंटडाउन शुरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना विकास, वो विकास की किरण यहाँ डबल इंजन की सरकार में अब देर नहीं है, जल्दी इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। आपने सुरक्षा के बड़े सारे इंतजाम देखे हैं लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी रांची से चलकर जमशेदपुर आए, लगभग 135 किलोमीटर का ओपन रूट जो कि एसपीजी शायद ही कभी परमिट करती हो ओपन में इतना ट्रेवल करने का, और आए और आप लोगों की सभा को संबोधन किया और आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं लेकिन आज पहली बार जनता ने ये देखा कि जिस साहस, जिस जज्बे के साथ वो इस देश का नेतृत्व संभाले हुए हैं, वो उसकी अगर कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज हम लोगों ने देखा कि इतनी बारिश के बाद बहुत बड़ी संख्या में जनता सुदूर ओल्हान के क्षेत्रों से यहाँ आई थी उन्हें सुनने के लिए, और इस जो विश्वास जनता का था उसे वो निराश नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक लंबी दूरी सड़क मार्ग से पूरी की। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री इतने विपरीत परिस्थितियों में भी जनता से मिलने के लिए आतुर हो, और जनता से मिलने के लिए आज उन्होंने सड़क मार्ग से पूरा किया। आज यहां की जनता और कोल्हान की, पूरे झारखंड की जनता बहुत ही उत्साहित है और मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य होगा झारखंड के लिए बहुत ही स्वर्णिम भविष्य होगा। 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार में परिवर्तन आएगा, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय को लेकर? देखिए, झारखंड में जिस तरीके से माहौल, राजनीतिक माहौल आज के दिनों में है और जो पल पल समय बदलते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, प्रशासन, कुशासन और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस राज्य को निश्चित रूप से एक विकसित राज्य के रूप में हम विकसित राज्य के रूप में हम विकसित कर सकेंगे, ऐसा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है और इस झारखंड की जनता को भी ऐसा विश्वास है। धन्यवाद सर। बहुत ही एडवर्स सिचुएशन है, 135 किलोमीटर का ओपन रूट प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग एसपीजी सुरक्षा को लेकर भी, लेकिन वो आए आपकी सभा में और संबोधन किया और पूरे रीगल मोदी से गूंज उठा, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि झारखंड के समस्त वासी आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं कि इस वेदर में, और हम समझते हैं भारत देश के इतिहास में कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो सड़क से 135 किलोमीटर सफ़र करके और झारखंड वासियों के दिल रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए आए हैं, तो सचमुच झारखंड वासी आज प्रधानमंत्री जी के ऋणी हो गए हैं। और आने वाला विधानसभा में झारखंड वासी से मैं यही कहूँगा, इस ऋण को उतारने के लिए एक एक वोट कमल पे देना होगा, एक एक वोट कमल के लिए लगाना होगा मुहर, ताकि प्रधानमंत्री जी जो आपसे आकर के इस आत्मीयता के साथ मिले हैं, झारखंड को जो ये सौगात दिए हैं, रिटर्न गिफ्ट तो बनता है जी। 2024 को लेकर भी उन्होंने कहा परिवर्तन होगा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होना है झारखंड में, और आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद पूरे झारखंड की जनता
बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। हम समझते हैं कि बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद दीदी। आप भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त सांसद थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और आप उनके साथ काम कर चुकी हैं, और आज दूसरी पीढ़ी जो उनकी नरेंद्र मोदी के रूप में जमशेदपुर आए और उन्होंने सभा को संबोधन किया और आपसे उन्होंने बातचीत की और आपके साथ मौजूद रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी के सरकार में, भाजपा के सरकार में तब मैं भी सांसद थी और झारखंड एक बच्चा था जब उसका जन्म हुआ था 2000 में। आज झारखंड युवा है और आज युवा प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इतने चिंता में हैं कि झारखंड जो बहुत ही संघर्ष के बाद बना था, बहुत बड़े आंदोलन के बाद बना था, उसका सही विकास सही समय पर नहीं हो रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगाज किया कि झारखंड अगर अच्छा कर सकता है, झारखंडियों का भला कर सकता है तो भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि माननीय अटल जी और भाजपा सरकार ने झारखंड दिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही झारखंड का भला और विकास कर सकते हैं, झारखंडियों के हित के लिए काम कर सकते हैं। इसी उम्मीद से हम लोग फिर से एक बार शंखनाद आज हो गया जमशेदपुर से और हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे, कोल्हान तो फतह करेंगे, पूरे झारखंड को जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि झारखंड जिसके लिए बना था, जो अटल जी का सपना था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था, जो झारखंड भाइयों बहनों माताओं का सपना था, उसको फिर से हम लोग पूरा लगन से पूरा करने में लगेंगे। ये आगाज आज से हो गई है, हम लोग उस पर आज से ही चलना शुरू करेंगे जब तक जीत हासिल नहीं कर ले, पता हासिल न कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो कि आज आप उनकी सभा में मौजूद थी। हाँ, मैं उनकी सभा में बड़ी उत्सुकता से आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आम आदमी, हमारी जैसी शिक्षित महिलाएं, एंड इनका नारा होता है शिक्षित रहेगा हमारा हिंदुस्तान हमारा भारत, जय हिंद का नारा हम भी लगाते हैं, बट हम ये दिल में तिरंगा लेके घूमते हैं और कमल कहाँ उगता है सबको पता है, तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ। टीचर हूँ प्रोफेशन से, बट आप ही की तरह वी आर रूटेड एंड मैं बेंगलुरु से हूँ, पैदा वहीं हुई हूँ, बट यहाँ जमशेदपुर में मेरे हस्बैंड का जॉब है, तो बड़ा मज़ा आया उनकी रैली में। रैली हुई नहीं, बट इट वॉज सच एन एफर्टफुल थिंग, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। डॉक्टर सुनीता जी, आप स्वयं एक प्रोफेशनल रही हैं और आज मोदी जी जमशेदपुर में आकर सभा का संबोधन किया, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बातें कही, क्या कहेंगे आप उनके लिए जो आपके साथ उस सभा में मौजूद थे? सबसे पहले तो मैं सभी कोल्हान वासियों की तरफ से हमारे आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने बारिश के मौसम में उनकी प्लेन यहाँ नहीं आ पाई और वो बाय रोड 135 किलोमीटर की दूरी तय करके वो यहाँ आ करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से उनका आभार व्यक्त करें हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम सबों के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे लगता है ये उनका झारखंड के प्रति प्यार है कि जो उन्हें इस तरह से खींच लाया बिना मतलब किसी सिक्योरिटी सपोर्ट के से। एक प्रधानमंत्री के बारे में कोई सोच नहीं सकता है कि अगर उनका मतलब कि बाय रोड इतनी दूर चल करके आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग इस बात के गवाह हैं कि वो आकर के यहाँ सबों को संबोधित किए। धन्यवाद।